एवरीवन, मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत बधाई। फ्रेंड्स, आज मकर संक्रांति है और आज के दिन तिल, गुड़ और बादाम के चिक्की, बादाम के लड्डू, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जाती हैं और खाई भी जाती हैं, आप लोग भी बनाए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी मकर संक्रांति स्पेशल ही है। मैंने ये बनाया है बादाम की चिक्की, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, बहुत ही खास्ता, बिल्कुल हलवाई जैसी बनी है और बहुत ही आसान तरीके से इसे मैंने बनाया है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी भरकर मूँगफली। मूँगफली को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम अभी हम मीडियम ही रखेंगे और इनको हम लगातार चलाते रहेंगे। आप कोई भी कटोरी या कप का मेजरमेंट कर सकते हैं। कप से अगर ये हम नापेंगे तो ये 2 कप होंगे। तो अब हम इनको इसी तरह से लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। करीब 5 से 6 मिनट लगे थे हमें। इस तरह से तड़कने लगी है, हम हाथों से चेक कर लेंगे। तो अभी इनके जो छिलके हैं वो आसानी से नहीं निकल रहे हैं, तो 2 से 3 मिनट तक इनको और हम इस तरह से भून लेंगे। तो 3 मिनट हो गए थे, फिर से हम चेक कर लेंगे। तो अब जो मूंगफली के जो छिलके हैं वो आसानी से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे जो पीनट्स है वो आसानी से, देखिए, भून चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम इनको किचन टॉवल पर रगड़कर साफ कर लेंगे, या फिर हाथों से भी इस तरह से रगड़ेंगे ना तो ये आसानी से साफ हो जाएंगे। तो बादाम के छिलके को हमने इस तरह से निकाल लिया है। अब इनको हम छलनी की हेल्प से छान लेंगे ताकि इनके जो छिलके हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाए। सारे हमने छिलके को निकाल लिया है, इनको हमने अलग कर लिया है। अब हम इनको तोड़ लेंगे बीच बीच से, इस तरह से कटोरी की हेल्प से तोड़ेंगे ना तो ये आसानी से टूट जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने इनको हल्के हाथों से दबाते हुए तोड़ लिया है और बादाम अब 2 टुकड़ों में आसानी से हो गए हैं। अब इनको हम एक साइड कर लेंगे और अब हमें चाहिए 1 कटोरी गुड़। जितना ही हमें बादाम चाहिए उतना ही हमें गुड़ भी चाहिए। गुड़ को अब क्या कीजिएगा कि तोड़ के लीजिएगा या तो फिर चाकू के हेल्प से इसे क्रश कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने 1 कटोरी गुड़ को रख लिया है। अब इनको हम एक साइड कर लेते हैं। अब चलते हैं किचन की ओर। अब मैंने गैस ऑन करके पैन चढ़ाया है और पैन में मैंने डाला है 2 चम्मच देसी घी। घी अच्छे से मेल्ट होने देंगे, उसके बाद इसमें हम गुड़ डालेंगे और गुड़ को हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें अभी मीडियम ही रखना है और मीडियम गैस पर इन्हें हमें चाशनी तैयार करना है। तो 4 से 5 मिनट लगे थे। गुड़ में अच्छे से देख सकते हैं कि बुलबुले आने शुरू हो गए हैं। इनको अभी थोड़ा देर और पकाएंगे जब तक कि इनकी जो चाशनी है वो अच्छे से ना हो जाए। तो जब तक हमारा चाशनी तैयार होता है तब तक हम क्या करेंगे कि एक थाली या फिर प्लेट में घी लगा लेंगे ताकि जो हम इसमें अगर चिक्की डालें तो वे चिपके नहीं। तो इस तरह से हम सारे प्लेट में हाथों से घी लगा करके इस तरह से फैला देंगे और इनको हम एक साइड कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं कि 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हमारे जो चाशनी है वो परफेक्ट तैयार हो गए हैं। इनको हम चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए मैंने 1 कटोरी में पानी लिया है और उसमें हम चाशनी के 4 से 5 ड्रॉप इस तरह से डालेंगे। तो 4 से 5 ड्रॉप मैंने पानी में डाल दिया है। इनको हम कुछ सेकंड के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी जो चाशनी है वो अच्छे से परफेक्ट नहीं हुई है। ये हाथों से इस तरह से खींच रहे तो खींचा जा रहा है, तो ये अभी परफेक्ट नहीं है। तो फिर से हम चाशनी को पकाएंगे करीब 3 से 4 मिनट तक। तो 4 से 5 मिनट फिर से हमने चाशनी को पकाया है और देख सकते हैं कि अब ये इनका जो कलर है वो चेंज होने लगा है। थोड़ा सा हम पानी में फिर से हम ड्रॉप डालेंगे, करीब 5 से 6 ड्रॉप हमने फिर से पानी में डाला है। 7 से 8 सेकंड तक इनको हम टच नहीं करेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर से हम चेक करेंगे। तो ये लीजिए, अब जो ये गुड़ की चाशनी है वो बंध रही है और ये परफेक्ट टूट रही है। जब हम इनको तोड़ रहे हैं तो इसमें से कट कट की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो चाशनी है वो परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे हम इसमें बेकिंग सोडा मिलाएंगे ना तो इनका कलर भी चेंज होने लगेगा और देख सकते हैं कि गुड़ में जो शाइनिंग है वो बहुत ही बढ़िया आने लगेगी। तो इसी स्टेज पर हम इसमें बादाम डाल देंगे और अच्छे से इनको हम मिक्स कर लेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे और सारी चीज़ों को हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब जो हमें प्रोसेस करना है वो जल्दी जल्दी में करना है, क्योंकि हमें इनको गर्म में ही थाली में इस तरह से पलट देना है। तो सारे मिश्रण को हमने थाली में पलट दिया है। अब हम एक कटोरी में घी लगा देंगे नीचे तले में और उसके बाद हम इनको अच्छे से चिकना कर लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे पूरे थाली में। तो यहाँ पर देखिए, हमने सारे मिश्रण को थाली में फैला दिया है। उसके बाद हम बेलन में घी लगा करके इनको अच्छे से
इस तरह से चिकना कर लेंगे। तो सारे मिश्रण को हमने चिकना कर लिया है, अब इनको हम गर्म में ही कट का निशान लगाएंगे। आपको जितनी बड़ी या छोटी चिक्की बनानी है उस हिसाब से आप इसमें निशान लगाइएगा। मैंने यहाँ पर देखिए थोड़े छोटे छोटे साइज में ही चिक्की को कट किया है। दोनों तरफ से हम चाकू की हेल्प से कट कर लेंगे। उसके बाद हम इनको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम आसानी से निकाल लेंगे। अगर आसानी से ये चिक्की नहीं निकल रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, हल्के गैस पर इनको आप रख दीजिएगा और गैस को थोड़ा सा ही थाली को गर्म कीजिएगा। उसके बाद इनको आप निकालिएगा तो ये आसानी से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी चिक्की को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से कट से आवाज से ये टूट रही है, एकदम खास्ता बनी है बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बगल में बेल है उसे आप ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। अगर ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे तो उसे आप लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.